हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर फिर तेरे हजूरी बात हुई, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते। मेरे महान सामर्थ्य पर सारा आदर महिमा सम्मान तेरे नाम को देखते मेरे खुदा मेरे पिता, क्योंकि तू है जो आदर की योग्य है, तू है जो महिमा की योग्य है, तू है जो जलाल की योग्य है। मेरे खुदा मेरे पिता, एक बार फिर तूने मुझे इस जगह पर बैठने का मौका दिया था कि मैं तेरी महिमा प्रस्तुत कर सकूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ये हमारे पिता 2016 वर्ष में हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान दिया। तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली, तेरे लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए, हमारे दे मरा हमारे बेटी इसके दिन जूठा। ये पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तुझे जैसे स्वर्ग में इज्जत मिलती है वैसे ही पृथ्वी पर भी मिले। हमारे दिन भर की रोटी आज हमने दिया, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और प्रतीक्षा में लाना पर उनको बुराई से बचा, क्योंकि राज्य अपराध करो और महिमा सदा तेरे ही पर। आमीन। ये मेरे दाऊद के परमेश्वर, मेरे अब्राहम के परमेश्वर, मेरे इसहाक के परमेश्वर, मेरे याकूब के परमेश्वर, मेरे यूसुफ के परमेश्वर, तेरी महिमा की बड़ाई हो, तेरे आशीषों की बड़ाई हो, तेरे चमत्कारों की बड़ाई हो, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा मन खुदा, हे मेरे सृष्टि के रक्षिता, तेरे सदा जय जयकार हो, युगानुयुग तेरा राज्य बना रहे, आदि से अंत तक तेरा राज्य बना रहे। हे प्रभु का प्रभु, सेनाओं का राजा मेरा पिता, यहोवा परमेश्वर, तेरे दिल में कौन इस धरती पर महान हो सकता है? प्रभु जी तू ही महान है, तू ही कृपालु, तू ही दयालु, तू ही पहला, तू ही अंत, तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, तू ही जीवन, तू ही सच्चाई, तू ही मार्ग हो, तेरे सदा जय जयकार हो, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। आमीन। सभी मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं सबको इस फास्टिंग प्रेयर के जरिए सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आजकल मैं फास्टिंग प्रेयर में हूँ, मैं सभी भाई बहनों के लिए, सभी मसीह परिवारों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सभी मेरी प्रार्थना के जरिए आज आशीषित हों। जो जो मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग आशीषित होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं एक बार फिर तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। मैं इन सब मसीह परिवारों को, सब अपने भाई बहनों को एक बार फिर तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे पिता मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि इनके लिए मुझे आज इस फास्टिंग प्रेयर में लेकर आया मेरे पिता मेरे पिता, कि मेरे मसीह भाई बहन जो भी हैं आज विश्वासी हैं, जो भी मेरे पिता मेरे खुदा, ये सब आशीषित होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता मेरे पिता। मैं इन सब भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे प्रभु, इन सब घरों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरी प्रार्थना में बांधती हूँ, तेरे वचन में बांधती हूँ, तेरे लहू में छिपाती हूँ इन परिवारों को मेरे खुदा मेरे पिता। जो भी आज विश्वासी हैं मेरे प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव करो इसी वक्त कि तुम्हारे लिए हो जाएगा मेरे खुदा मेरे पिता। आज मेरे पिता परमेश्वर तुम्हें दया करने वाला है मेरे खुदा, तू सचमुच महान परमेश्वर है। तुमने मुझे इन परिवारों के लिए एक बार फिर से खड़ा किया मेरे प्रभु, कि मैं इन सब के लिए प्रार्थना करूँ और इनके दुख दरिद्र दूर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। तुमने मुझे एक बार फिर इनकी प्रार्थना के लिए तुमने मुझे खड़ा किया मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। इन सब परिवारों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे प्रभु, तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे पिता मेरे पिता। तुमने आज तक इन परिवारों को संभालने का काम कर रखा, यहाँ तक इनके हर परेशानी मुसीबतों से इन्हें बचा कर रखा मेरे प्रभु, हर बीमारी महामारी से बचा कर रखा, हर दुर्घटनाओं से बचा कर रखा, हर एक बीमारियों से बचा कर रखा मेरे पिता मेरे पिता, हर एक दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखा मेरे प्रभु। यहाँ तक कि इनके संगो साथ है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ सुराजा। इन परिवारों को तेरे लहू के बाड़े में रखती हूँ मेरे खुदा मेरे पिता। मैं जानती हूँ मेरे प्रभु तू इन सब की रक्षा करता है, तू इन सब की बातों को सुन रहा है मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ सुराजा। इसी वक्त जो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे इन परिवारों को मैं आज आशीषित करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं इन परिवारों को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं सारे परिवारों के लिए, जिस भी घर में कोई परेशानी है, दुख है, कोई बीमारी है, कोई डिप्रेशन है, कलेश की दुष्ट आत्मा है, बीमारी की दुष्ट आत्माएं हैं, मैं इन सब दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इसी वक्त आज्ञा देती हूँ,
डांटती उन दुष्ट आत्माओं को, इसी वक्त उनके घरों को छोड़ो की कुटिल लाओ और नरक की आग में जलकर खत्म हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जो आज बेरोजगार है, जो आज डिप्रेशन में है, जिनके पास घर नहीं है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। जिनके बिजनेस ठप हो गए हैं, जिनके पास नौकरियाँ नहीं है, जो आज परेशानी में है, बीमारियों में है, जकड़े हुए हैं, अकड़े हुए हैं, मैं यीशु के नाम से आज उन घरों के बंधनों को तोड़ती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सब लोग इसी वक्त प्रार्थना को रिसीव कीजिए, इसी वक्त रिसीव कीजिए। सबके बंधन टूटते जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। सबके मार्ग खुलने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। जिनके पास घर नहीं है, उन्हें घर मिलने के जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक बंद पड़े ताले खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक बीमारियां के घरों को छोड़ के जाती रहे यीशु के सामर्थ्य नाम। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं ऐसे भक्त सबको परेशानियों से छुटकारा दे दिया मेरे पिता। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ श्री राजा। आज तुमने मेरी प्रार्थना से सुन लिया है मेरे प्रभु। तुमने इन घरों से बीमारियों को दूर कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तूने इन परिवारों को चंगा कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पिता तेरे सभी प्रार्थना, तुमने अपने वचन में कहा है मेरे प्रभु, मैं अपने वचन को भेज कर तुम्हें चंगा करूँगा। जो जिस गड्ढे में पड़ा है उस गड्ढे से निकाल कर उसे बाहर लेकर आऊँगा। सचमुच तेरे वचन के अनुसार इनके लिए हो मेरे पिता, मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। आज तू इनकी गिड़गिड़ाने की आवाज़ को सुन रहा है मेरे प्रभु, तू इनकी पुकार को सुन रहा है मेरे खुदा, मेरे पिता। मैं जानती हूँ मेरे प्रभु, तू सबकी आराधना को सुनता है, सबकी प्रार्थना को सुनता है मेरे खुदा। तू ऐसा दयालु परमेश्वर है मेरे प्रभु, तू इन सब के पापों को क्षमा कर मेरे खुदा। मैं इन सब के पापों के लिए तुझसे विनती करती हूँ मेरे प्रभु। जाने अनजाने में जो भी इनके इनसे तेरे विरुद्ध पाप हुआ है मेरे प्रभु, कोई व्यभिचार हुआ है, चोरी हुई, झूठ बोला मेरे प्रभु, मैं इन सब के लिए तुझसे पश्चाताप करती हूँ मेरे खुदा। मैं इन सब घरों के लिए, सबके पापों के लिए मैं तुझसे पश्चाताप करती हूँ, अंगीकार करती हूँ मेरे प्रभु। मैं इन सब के पापों को मान कर स्वीकार करती हूँ। इसी वक्त मैं क्षमा कर मेरे प्रभु, सचमुच से महान परमेश्वर है। तूने इनके पापों के लिए भी अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, इनके पापों के लिए भी मारा दिया, गाड़ा दिया, तीसरे दिन मुर्दा में से जीता मेरे खुदा, मेरे पिता। अब इनके पापों के लिए तू बलिदान से करा मेरे प्रभु। इसी वक्त तूने हर पापों से छुटकारा दे मेरे प्रभु, हर बीमारियों से छुटकारा दे मेरे खुदा, हर शत्रुओं की गंदी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे मेरे प्रभु। जो भी इनके बंधन है टूट में पाए तुम के सामर्थ्य नाम में। जो भी इनके कार्य में बाधा पड़ती है इसी वक्त खुल जाए तुम के सामर्थ्य नाम। इसी वक्त शत्रु की हर चाल नष्ट होने पाए तुम के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त बीमारियों से उन्हें छुटकारा दे दे मेरे प्रभु, क्योंकि तूने हर एक बीमारियों पर विजय पाई है मेरे खुदा। तूने महामारी को भगा दिया मेरे प्रभु। सचमुच तू महान परमेश्वर है मेरे खुदा, मेरे पिता। तू इन विश्वासों की रक्षा कर मेरे प्रभु, तू इन्हें बहुत आगे तक बढ़ा मेरे खुदा। आशीष कर मेरे प्रभु, अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा कर मेरे खुदा। इन घरों से बीमारियों को दूर कर दे यीशु राजा। इसी वक्त इन पर दया कर, क्षमा कर मेरे प्रभु। सचमुच तूने अपने लहू से इन्हें मोल लिया है मेरे खुदा। ये तेरी प्रजा है मेरे प्रभु, तू इन्हें आशीष दे मेरे खुदा। इसी वक्त आज स्वर्ग के घरों को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इनके आशीषों के द्वार खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसके इनके हर बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके हर मार्ग खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आज बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आज डिप्रेशन में है उसके डिप्रेशन दूर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इसी वक्त तू इन सबको छुपा कर पवित्र कर, अपने सामर्थ्य से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे। आज तू इन्हें स्वप्न में दर्शन दे मेरे खुदा। तू आज इनसे बातें कर मेरे प्रभु, तूने अन्य अन्य भाषाओं का ज्ञान दे मेरे खुदा, मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, ताकि तेरी महिमा को देख सके, तेरे मिराकल को देख सके मेरे प्रभु, तेरे वचनों में जान सके, तेरे वचनों में आगे बढ़ जाए मेरे पिता, मेरे खुदा। सचमुच अवश्य तू बड़े हम घटे मेरे प्रभु, तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। इसी वक्त इन परिवारों को छुपा कर, पवित्र कर मेरे प्रभु। हर परेशानियाँ, हर कष्ट, हर दुख दरिद्र इनके घरों से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कोड कफ की गंदी दुष्ट आत्माएं, खांसी बुखार की गंदी दुष्ट आत्माएं इनके घरों से दूर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बड़ी बड़ी बीमारियाँ इनके घरों से धुआं बन के हो जाए
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा, हर एक शत्रु, हर एक कलेश की दुष्ट आत्मा, हर एक विरोध की दुष्ट आत्मा, हर एक क्रोध की दुष्ट आत्मा, इनके घरों से दूर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इनके मनों से नफरत से दूर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हे पिता दया कर क्षमा कर करे प्रभु, आज तू उन्हें दया कर मन दे तेरे पिता, आज तू उन्हें प्रेम की भावना दे मेरे पिता, मेरे पिता, ताकि ये सब एक मन हो जाए मेरे प्रभु। तू हमें एक मन कर दे मेरे पिता, ताकि तू महान परमेश्वर है, ताकि हम सब मिलकर तेरी महिमा कर सके मेरे प्रभु, तेरे नाम की स्तुति धन्यवाद कर सके मेरे पिता, मेरे पिता, तेरे नाम की गवाही दे सके मेरे प्रभु। तो आज हम पर दया कर क्षमा कर मेरे पिता, आज तू स्वर्ग के दरवाजों को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आज इन घरों को आशीषित कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक घरों से शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की गंदी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धुआं बन के उड़ने पाए। हर एक घरों से बीमारियों की दुष्ट आत्माएं, हर एक घरों से पथरी, किडनी, लीवर की गंदी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त धुआं बन के उड़ने पाए। हर एक माइग्रेन की दुष्ट आत्माएं, हर एक सर्वाइकल की दुष्ट आत्माएं, हर एक अथराइटिस की गंदी दुष्ट आत्माएं, हर एक थायराइड की गंदी दुष्ट आत्माएं, हर एक रस्ट्रोली की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त इस घरों से धुआं बन के उड़ने पाए। हर एक बवासीर की गंदी दुष्ट आत्माएं, हर एक बुखार की गंदी दुष्ट आत्मा, हर एक डिप्रेशन की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इसी वक्त इन घरों से धुआं बन के उड़ जाए। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को कबूला है मेरे खुदा, तूने मेरी प्रार्थना कहा और आमीन में उत्तर दिया मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा, तूने इन परिवारों को आशीषित किया मेरे प्रभु, इन परिवारों को तेरे लहू के बाड़े में रखती मेरे पिता, मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य में। आमीन, 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 आमीन। एक सुंदर सा वचन मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। विश्वासी की सुरक्षा। सचमुच जो विश्वास में है मेरे प्रभु उनकी रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, क्योंकि वही तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाता है। वह अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और उसके पैरों तले तू शरण लेगा। हालेलुया, उसकी सच्चाई ढाल और झिलम है। तू न रात के आतंक से और न दिन के उड़ते तीर से भयभीत होगा, न तू उस महामारी से जो अंधकार में फैलती और न उस विनाश से जो दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, पर वह तुझ तक नहीं पहुँचेगा। हालेलुया, तू तो अब केवल अपनी आँखों से निहारेगा और दुष्टों का अंत देखेगा, क्योंकि तूने यहोवा को जो मेरा शरण स्थान है अर्थात परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है। हालेलुया, इसलिए न कोई विपत्ति तुझ पर आएगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पैर में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को तू रौंदेगा। उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा, संकट के समय में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर अवश्य विश्वासियों की सुरक्षा करता है और जो उसकी छाया में रहता है वह उसे ठिकाना देगा। हालेलुया, सचमुच आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, वह तुम्हें अपने पंखों के तले छुपा लेगा और तुम उसके पंखों के तले शरण पाओगे। सचमुच वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हें बढ़ाएगा। सचमुच अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, वो दीर्घायु से तुम्हें तृप्त करेगा, उसके उद्धार का दर्शन तुम पाओगे, सचमुच आशीषित होने पाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में।
आमीन आमीन आमीन। स्तुति जय यीशु के लहू की जयश हमारे बीच में है। एक बार फिर आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे। जय मसीह।